गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इन दिस चैप्टर, दिस इज अ न्यू चैप्टर। इन दिस चैप्टर मार्टिन लूथर टेल अस अबाउट समथिंग न्यू अबाउट अमेरिका इन द ब्लैक एंड वाइट पीपल, ऑन द बेस ऑफ द ब्लैक एंड वाइट पीपल द स्टोरी। एंड इन दिस चैप्टर वी विल read something new of the discrepancy among the black people and the white people in America. First line, I have a dream is an unforgettable speech given by Martin Luther King to the millions of the king black and white on the 28 August 1963. Clear? And this speech is represent on the hope and the dream. Hope and the dream of the American black and the black. एक speech जो एक represent करती है एक hope को और dream को, अमेरिका के जो black लोग हैं who have been struggling for their rights, जो अपने rights के लिए struggling कर रहे हैं and freedom, और अपनी freedom के लिए। Though the American Constitution and the Declaration of the Independence have promised equal rights, it means they have equal right in justice, freedom and all the blacks and the white. तो इसमें हालांकि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने डिक्लेयर कर दिया है ऑफ द इंडिपेंडेंस है प्रोमिस्ड, कि उसने जो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस है प्रोमिस्ड, वहाँ के जो स्वतंत्र रूप से ये डिक्लेयर कर दिया कि इक्वल राइट, कि सबकी इक्वल राइट हैं, जस्टिस है, फ्रीडम है टू ऑल द ब्लैक एंड वाइट, कि सभी जो है मिलकर रह सकते हैं, सबकी इक्वल राइट्स हैं। दिस इज़ नॉट द इम्प्लीमेंटेड इन द प्रैक्टिस, बट लेकिन जो है ये प्रैक्टिस में ली है, रूल है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। इन अमेरिका सोसाइटी देर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और अभी सोसाइटी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, अन्याय है, हेटर घिरना है, अदर इनइक्वलिटीज बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, और कुछ जो है काले और सफेद लोगों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट, द ब्लैक एंड आर द हेटर नेगलेक्टेड, जो ब्लैक पीपल हैं उनसे नफरत की जाती है, नेगलेक्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और इन द प्रैक्टिस मतलब डेली व्यवहार में। नेक्स्ट, इन अमेरिका द सोसाइटी देयर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनजस्टिस, अभी जो अमेरिका है उसमें स्ट्रॉन्ग टाइप के रेशियल जातीय अंतर है, इनजस्टिस है, और एंड अदर इनइक्वलिटी, और जो दूसरी जो है असमानताएँ हैं बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक पीपल, वाइट और ब्लैक पीपल में एंड अदर इनइक्वलिटी बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, और दूसरी जो है इनइक्वलिटीज हैं ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के, ब्लैक स्किन की वजह से दे आर डिप्राइव्ड में, तो वंचित रखना, उनको वंचित रखा जाता है देयर राइट्स, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस, उसके जस्टिस अन्याय से, उसके न्याय से, अधिकारों से, फ्रीडम से, और उसकी इक्वलिटी से, समानता से, उन सबको जो है डिप्राइव्ड, वंचित रखा जाता है, तो दे आर ट्रीटेड टू बी द स्लेव, वो व्यवहार किया जाता है उनके एक दास की तरह, एक स्लेव की तरह, स्लेव मीन दास, गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है, एंड एक्सवाइल इन देयर ओन कंट्री, और उनको अपने देश से ही बाहर निकाल दिया जाता है। दे लिव इन द वेरी पुअर एंड मिजरेबल लाइफ अमंग देयर रिच वाइट, तो वो रिच पीपल के बीच में, वाइट पीपल के बीच में बड़ी दयनीय दशा से जीते हैं, और दयनीय दशा से वो जीते हैं, और लाइफ ओनली द वाइट इंजॉय राइट of the life, liberty and pursue the happiness, और केवल जो white जो लोग हैं वही जो उनको अधिकार है आज़ादी का और pursue happiness के, वही खुशी रहते हैं, उनको ही अधिकार है खुश रहने का। तो लूथर किंग एड्रेस द अमेरिकन ब्लैक एंड द स्ट्रे, तो जो ये है लूथर जो किंग है वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है अमेरिका के ब्लैक्स लोगों को, और कहता है कि दैट दे शुड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल, के अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे अंटिल दे एस्टेब्लिश इक्वलिटी, पीस एंड ब्रदरहुड, जब तक वो इक्वलिटी एस्टेब्लिश ना कर दे, पीस शांति एंड ब्रदरहुड भाईचारा स्थापित ना कर दे, कहाँ पर, इन अमेरिका। हाउ एवर देयर स्ट्रगल शुड बी विदाउट वायलेंस, उनका जो
स्ट्रगल है वो विदाउट वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस मैंने अहिंसा, बिना अहिंसा के होना चाहिए। ही से दैट कि दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स विदाउट कॉजिंग द फिजिकल वायलेंस इन द मे कोच ऑफ बिटरनेस एंड द हेटर, बिना किसी नफरत के, बिना किसी कड़वाहट के और बिना किसी फिजिकल वायलेंस के, कोई शारीरिक अहिंसा के, मार पिटाई के, वो उन्हें के अपने अधिकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने जो महात्मा गांधी की जो फिलोसफी है उसके रास्ते को अपनाना चाहिए। इफ़ दे कीप ऑन द, अगर उन्होंने स्ट्रगल जारी रखेंगे इन डिसिप्लिन वे, डिसिप्लिन तरीके से, तो दे विल अचीव देयर आर्म्स एम्स, तो अपने एम्स को वो पा सकते हैं। लूथर किंग्स होप दैट वन डे द चेन्स ऑफ द हेटर, जो नफरत की जो चेन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की चेन है, इनजस्टिस की जो चेन है, ऑल थिंग इनजस्टिस अन्याय, ये जो सारी चीज़ें हैं, इट विल बी कम्प्लीट, ये सारी एक दिन जो है ख़त्म हो जाएंगी, इट विल अबॉलिश। तो दे विल अचीव देयर एम, वो अपने उद्देश्य को अचीव करेंगे। लूथर किंग होप्स दैट वन डे द चेन ऑफ द हेटर, और एक दिन जो चेन है बुराई की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो जातीय जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अंतर, इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी और असमानता विल बी ब्रोकन, वो सब खत्म हो जाएगा। द न्यू सन विल राइज, और जो नया सन है वो पैदा हो जाएगा, नया सन की जो किरणें हैं वो पैदा हो जाएंगी, और वो जो किरणें किसकी होंगी, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, पीस की एंड ब्रदरहुड की, भाईचारे की, आज़ादी की, समानता की, शांति की और भाईचारे की जो सुबह है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लूथर किंग हैज़ अर्जमेंट रिक्वेस्ट करना, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता है दैट कि देयर शुड बी एन इमीडिएट चेंज इन द कंसेप्शन ऑफ, तो जल्दी से चेंज होना चाहिए किसमें, इन द कंसेप्शन ऑफ द वाइट, जो वाइट लोगों की जो धारणा है उनमें चेंज होना चाहिए, और रेशियल एंड द कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय और जो रंग का जो अंतर है, विल वीकन, वो समाप्त हो जाएगा, फाउंडेशन ऑफ अमरीका, अमरीका के फाउंडेशन। तो लूथर किंग से दैट द ड्रीम इज द ड्रीम ऑफ, कहते जो ड्रीम है वो एक सपना है किसका, अमेरिका का। हिज ड्रीम इज अ ड्रीम ऑफ फ्रीडम, उसका जो सपना है वो आज़ादी का सपना है, जस्टिस का सपना, जस्टिस न्याय का और समानता का, उन्हें उसका जो सपना है वो आज़ादी का सपना है, न्याय का सपना है और इक्वलिटी, समानता का सपना है। तो दिस कलर ऑफ द स्किन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर जो कलर है स्किन का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रीडम। तो द कलर ऑफ द स्किन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में इम्पोर्टेंट क्या है, देयर फॉर वन ऑल डिस्क्रिमिनेशन, जो अंतर है, इन इक्वलिटी का विल डिसअपीयर, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ऑल द ब्लैक एंड द वाइट पीपल विल वर्क टुगेदर, और ब्लैक और जो वाइट पीपल हैं वो सब इकट्ठे रहेंगे शांति से, वो शांति से सारे इकट्ठे रहेंगे। तो ऑल ब्लैक एंड द वाइट विल वर्क टुगेदर, ज्वाइनिंग हैंड एज अ ब्रदर एंड सिस्टर एट लास्ट, नॉट ओनली ब्लैक्स, और अंत में ब्लैक्स ही नहीं है, ऑल अमेरिकन पीपल्स विल बी फ्री, सारे अमेरिकन के लोग फ्री हो जाएंगे, देयर विल बी द स्वीट म्यूजिक लिबर्टी जस्टिस एंड इक्वलिटी ऑल ओवर अमेरिका, तो सारी अमेरिका में क्या होगा, जस्टिस, न्याय होगा, समानता होगी और आज़ादी होगी। This is completion. So that's why Martin Luther explained about the thought of the people in America and which fought for their rights. Thank you and have a nice day.